लगी आपको? हाँ, अच्छी लगी, मजा आया। और प्रभास को मतलब इसी अवतार में देखना चाहते, नहीं तो अभी आप देख रहे थे आदि पुरुष वगैरह में, मतलब वो बिल्कुल जम नहीं रहे थे आदि पुरुष, राधे श्याम लव स्टोरी वगैरह कर रहे थे, लेकिन ये उनका सही अवतार देखने को मिला, रेबल स्टार प्रभास उन्हें देखिए कहा जाता है। जबरदस्त एक्शन वगैरह उनका देखने को मिला पृथ्वीराज सुकुमारन फिल्म में। दोनों दोस्त बने रहते हो लेकिन वो दुश्मन भी बन जाते हैं, वो दुश्मन वगैरह क्यों बने ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसके लिए आप फिल्म देखो, स्पॉइलर देखिए, आपका मजा खराब नहीं करूंगा। बाकी फिल्म गजब की है, मजा आ जाता है, एंटरटेनिंग, थोड़ी सी डार्क थीम रखी है, बीच बीच में आपको पूरी KGF की कहीं ना कहीं याद आ सकती है, क्योंकि कई सारी लोकेशंस, वेपन्स वगैरह, कई सारी वो चीज़ें आपको बिल्कुल KGF जैसी लगेंगी। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि फिल्म अच्छी है, लेकिन जो KGF जैसा एक्सपेक्टेशन लेकर आप जा रहे हो कि KGF जैसा मज़ा आएगा, तो उतनी दमदार भी नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छी है। प्रभास का काम बढ़िया है, खतरनाक एक्शन वगैरह करते हैं वो, उनकी बैक स्टोरी भी चलती रहती है, दोनों बचपन के दोस्त हैं, थोड़ा बचपन का भी उनका वो सारी चीज़ें देखने को मिलती रहती है बढ़िया इधर उधर की। फिर उसके बाद वो उनके पृथ्वीराज सुकुमारन है, उनका वो पापा का एम्पायर है, फिर वो चाह रहे वो उनके साथ दगाबाजी हो जाती है, फिर वहाँ से वो आर्मी आ रही है, ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है, फिर वो पूरे अकेले पड़ चुके हैं। ऐसे में फिर भैया सलार को बुलाते हैं, सलार यानी कि अपने प्रभास आते हैं, तो उसके बाद धमाधम एक्शन होता है खतरनाक तरीके से, वो काफ़ी चीज़ों से उनको निकालते हैं, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती रहती है, तो कहीं ना कहीं मज़ा आता है। बाकी प्रभास का एक्शन इस मूवीज़ के अलावा बाकी बताइए ना आप, जैसे पहले बाहुबली में इन लोग ने अच्छे एक्शन किए हैं, रोल्स किए मॉडल, इसमें निभाया जी जी निभाया क्या सेम है? देखिए कंपेरिजन मुझे नहीं लगता कि इनका करना चाहिए, जैसे बाहुबली थी वो एक अलग ही तरीके की फिल्म थी, तो मुझे नहीं लगता कि कंपेरिजन करना चाहिए। और बाकी फिर देखिए साहू में हमने देखा, राधे श्याम में देखा, तो साहू राधे श्याम और इसमें आप देखेंगे तो डबिंग उन्हीं ने खुद की थी प्रभास ने, तो वो कहीं ना कहीं उनकी हिंदी में मज़ा नहीं आया था। यहाँ पे उनकी डबिंग शरद केलकर ने की है जिन्होंने बाहुबली में भी आवाज़ दी, तो डबिंग वगैरह भी अच्छी है और एक्शन में कहूँगा कि दमदार है, प्रभास बिल्कुल जमे है। और मैं तो कहूँगा भैया सबसे अच्छा काम यदि प्रभास की वजह से इस फिल्म को देखा जा सकता है।